हेलो नमस्ते सलाम, मैं जितेंद्र कुमार आप सबका स्वागत करता हूं यूट्यूब चैनल द एनालिटिक पोस्ट में। हमारे यूट्यूब चैनल एनालिटिक पोस्ट पर आज हम अपना चैनल का पहला वीडियो संस्करण जारी कर रहे हैं, जिसमें हम आपके लिए सीरीज ला रहे हैं। उस सीरीज के अंदर जियोपॉलिटिक्स से जुड़े हुए मुद्दों पर चर्चा करेंगे और जिसमें जहाँ इन जियोपॉलिटिक्स से जुड़े भू राजनीतिक विशेषज्ञों को हमारे इस चैनल प्लेटफॉर्म पर बुलाएंगे और उनसे इस पर गहरी से चर्चा करेंगे। आज हम पहला सीरीज बलूचिस्तान आंदोलन से जुड़े हुए संस्करण पर करने वाले हैं। बलूचिस्तान की चर्चा के लिए आज हमने चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ एक विशेष अतिथि हैं, मनीष राय जी, मध्य पूर्व अफगान के एक भू राजनीतिक विशेषज्ञ हैं और स्तंभकार हैं और भू राजनीतिक समाचार एजेंसी व्यूज राउंड के संपादक हैं। उन्होंने जॉर्डन, कतर, यमन, ईरान, ओमान और अफगानिस्तान से रिपोर्टिंग की है। उनके काम को ब्रिटिश संसद हाउस में हाउस ऑफ कॉमन्स में उद्धृत किया गया। इसके अलावा उन्होंने सीरियाई युद्ध पर व्यापक रिपोर्टिंग की, इसके लिए सरकार से प्रशंसा भी प्राप्त किया है। वहाँ एक ऑस्ट्रेलियाई नागरिक है और वर्तमान में सिडनी में रहते हैं। राय ने बलूचिस्तान पर भी काफी अच्छी शोध की है और लगभग सभी बलूच राजनीतिक और सशस्त्र समूहों पर इन्होंने साक्षात्कार लिया है। वह कई अंतर्राष्ट्रीय प्रकाशनों के लिए ये लिखते भी हैं, जैसे इंटरनेशनल पॉलिसी ऑफ डाइजेस्ट, टाइम्स ऑफ इसराइल, अरेबियन पोस्ट। उन्होंने हाल ही में एक लेख लिखा, बलूच विद्रोह कैसे बदल रहा है। तो चलिए शुरू करते हैं उनके साथ चर्चा। तो बलूचिस्तान पर हमारी श्रृंखला का ये पहली एपिसोड है। मनीष राय जी, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल द एनालिटिक पोस्ट पर। जी नमस्कार, धन्यवाद आपने मुझे आमंत्रित किया। मनीष राय जी, पहला हमारा प्रश्न है कि हमारे दर्शकों को आप ये बता पाए तो कि सबसे पहले आप हमें बलूच आंदोलन के बारे में संक्षिप्त ऐतिहासिक दृष्टिकोण बता सकते हैं। जी जरूर, क्योंकि बलूच अगर आंदोलन को समझना है तो थोड़ा सा उसकी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि में भी जाना पड़ेगा। तो भौगोलिक दृष्टि से अगर देखें तो बलूचिस्तान जो है वो पाकिस्तान का एरिया वाइज क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे बड़ा राज्य है, स्टेट प्रोविंस, पर आबादी के हिसाब से इसमें सबसे छोटा प्रोविंस भी है। तो ये पूरे पाकिस्तान का 44% जो क्षेत्रफल है वो केवल बलूचिस्तान से है और आबादी के हिसाब से केवल 6% की जो जनसंख्या है वो पूरी पाकिस्तान की 6% जनसंख्या बलूचिस्तान में है। जो बलूचिस्तान शब्द है, अगर आप इसको कहें तो एक टर्म इसके लिए यूज की जाती है, ग्रेटर बलूचिस्तान। अब ग्रेटर बलूचिस्तान क्या है? जो पूरा बलूचिस्तान जो ऐतिहासिक दृष्टि से एग्जिस्ट करता था उस समय में, आज की दृष्टि से वो पाकिस्तान, अफगानिस्तान और ईरान में फैला हुआ है, पर इसका सबसे बड़ा जो हिस्सा है वो पाकिस्तान में होता है। तो उस हिसाब से आज हम जो बात करेंगे अपनी इस आज की डिस्कशन को, हम लोग पाकिस्तान बलूचिस्तान के ऊपर ही केंद्रित करेंगे। बाकी कभी जवाब बुलाएंगे तब थोड़ा ईरान और अफगानिस्तान में जो बलूचिस्तान का हिस्सा है उसके ऊपर भी कभी चर्चा करेंगे। जी, तो अगर ये तो उसकी एक भौगोलिक संरचना हो गई कि ये ईरान, अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच का हिस्सा है और कोस्टल, इसका कोस्ट बहुत बड़ा है, उसको पूरा मकरान कोस्ट कहा जाता है। तो ये तो इसकी भौगोलिक दृष्टि हो गई। अब दूसरा इसका अगर ऐतिहासिक अगर आप देखें तो बलूचिस्तान जो थी ब्रिटिश राज में, ये एक रियासत थी जो ब्रिटिश राज के अधीन तो थी पर अपने आप में इसको एक
स्वतंत्रता भी मिली हुई थी, प्रिंसली स्टेट जैसे हमारे यहाँ हैदराबाद जूनागढ़ थी। तो अब इन लोगों को ब्रिटिश राज में जब भारत पाकिस्तान का विभाजन हुआ और इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट के माध्यम से भारत और पाकिस्तान की आज़ादी की घोषणा की गई, तो इनको ऑप्शन मिला जैसे बाकी प्रिंसली स्टेट्स को भी मिला कि भाई या तो आप पाकिस्तान में सम्मिलित होइए या भारत में होइए या फिर आप स्वतंत्र अपने आप को रखिए। तो बलूचिस्तान की जो सबसे बड़ी रियासत थी वो थी कलात की। तो कलात की रियासत की पार्लियामेंट में, अगर आप उसको कहते हैं वहाँ की लोकल टर्म में, जिरगा में मार्च 1948 में ये प्रस्ताव पारित हुआ कि भाई ना तो हम भारत के गणराज्य में जाएंगे ना पाकिस्तान के इस्लामिक रिपब्लिक में जाएंगे, हम अपने आप को स्वतंत्र रखेंगे। पर पाकिस्तान ने इस निर्णय को नहीं माना और उन्होंने सैन्य कार्रवाई करते हुए बलूचिस्तान को हस्तगत कर लिया और बाद में फिर उन्होंने बलूचिस्तान को अपना एक प्रोविंस के रूप में घोषणा कर दी। सो अगर आप देखें तो उसी समय से पहली जो बलूच विद्रोह की नींव पड़ गई, जो सबसे पहले जिन्होंने इस बलूच संघर्ष का नेतृत्व किया वो खान ऑफ कलात के जो भाई थे प्रिंस अब्दुल रहीम, वो उन्होंने इस का फर्स्ट जिसको फेज ऑफ कॉन्फ्लिक्ट या इंसर्जेंसी कहा जाता है उसका आंदोलन किया जो 1948 से लेके 1950 तक चली। बाद में भी उसके और कई फेजेस आए। अब ये वाला जो लेटेस्ट फेज जो चल रहा है वो 2003 के बाद से चल रहा है। तो उस हिसाब से भी ये बलूचिस्तान का जो विद्रोह है पाकिस्तान में वो सबसे पुराना है। मतलब जो पाकिस्तानी तालिबान का मूवमेंट हो गया, पश्तून मूवमेंट हो गया या सिंधी लोगों का हो गया, उन सबसे पहले का जो आंदोलन है वो बलूच आंदोलन है। यहाँ तक कि जो बांग्लादेश में भी जो मूवमेंट चली जिसके रिजल्ट में बांग्लादेश क्रिएट हुआ, उससे भी पुराना आंदोलन बलूच है। स्वतंत्रता, हाँ, शेख मुजीबुर रहमान वाली की जो मूवमेंट चली उससे भी पहले की मूवमेंट है बलूचिस्तान की। तो हाँ, सबसे पुरानी है जी। अब दूसरा, अगर आप इसकी खनिज संपदा की बात कर लें तो इस प्रांत में ये पाकिस्तान का सबसे मिनरल रिच इलाका है। खनिज यहाँ पे प्रचुर मात्रा में है, जैसे कि प्राकृतिक गैस, नेचुरल गैस, ऑयल, क्रूड ऑयल थोड़ी मात्रा में, और कॉपर, सल्फर, ये सब यहाँ पे बहुतायत में पाया जाता है। और पाकिस्तान की बाकी जितनी भी स्टेट्स हैं अगर उनके साथ मुकाबला करें तो सबसे ज़्यादा मिनरल रिच ये स्टेट है, प्रोविंस है पाकिस्तान का। पर ये भी एक बहुत बड़ी विडंबना है कि ये सब होने के बावजूद भी ये पाकिस्तान का सबसे गरीब इलाका भी है। तो सबसे ज़्यादा खनिज संपन्न है पर सबसे ज़्यादा गरीब। अगर आप आंकड़े देखें तो 52% वहाँ की जो पॉपुलेशन है वो बिलो पॉवर्टी लाइन में रहती है। तो ये भी एक बहुत बड़ा कारण है कि जो लोगों में असंतोष फैला रहा है कि भाई हम पाकिस्तान के साथ हैं तो हमें मिला क्या। पहला तो ये एक जिससे नींव डली इस आंदोलन की कि भाई अपने आप को स्वतंत्र घोषित किया पाकिस्तान ने, जबरदस्ती जो है सैन्य अभियान के माध्यम से हम पर कब्जा किया। दूसरा कि भाई हमारे पास सब कुछ होते हुए भी हम जो हैं वो गरीबी का शिकार क्यों हैं। जैसे मैं आपको बताऊं तो एक छोटा सा मैं आपको एग्जांपल दूं, सुई वहाँ पे गैस प्लांट है, बहुत बड़ा गैस प्लांट है जहाँ से बिजली, वो प्राकृतिक गैस का उत्पादन होता है और पंजाब में भेजी जाती है। छोटा कस्बा ही है, कस्बा ही कहेंगे, शहर तो नहीं कह सकते सुई को बलूचिस्तान में। अब वहाँ की जो गैस है वो पाकिस्तान के सबसे बड़े प्रांत पंजाब में जाती है, वहाँ से सैकड़ों किलोमीटर दूर है जो। पर जो सुई में जो वहाँ का जो बलूच आम नागरिक है वो आज भी खाना जो है अपना कुकिंग फ्यूल के लिए वो आज भी जंगल की लकड़ी पे या ओपलों के ऊपर निर्भर है।
तो आप सोचिए जहाँ जहाँ की जो गैस है वो उस आदमी के काम नहीं आ रही, वो आ रही काम कहाँ, पंजाब में, लाहौर में। और लोगों को ये भी लगता है कि भाई हमारा संसाधन हमसे लूट के पाकिस्तान जो है अपने बाकी लोगों को दे रहा है, पर हमें जो है वो हमारे साथ इस तरह का सौतेला व्यवहार हो रहा है। ये तो वैसा ये बात हुई ना कि अपने घर में वो चीज बना रहे हैं और वो बाहर का व्यक्ति उसे इस्तेमाल कर रहा है अपने घर में अंधेरा रखे। बिल्कुल, तो यही है, एक आम बलूच नागरिक इस बात से अगर आप देखें तो वो तो पाकिस्तान से क्या चाहता था कि भाई, ये थोड़ी चाहता था कि भाई कोई बहुत बड़ा उसको कुछ सरकार दे दे। जो बुनियादी सुविधाएं हैं, ढांचागत जो संरचना है, ढांचागत इंफ्रास्ट्रक्चर, उसको अगर आप एक बार को छोड़ भी दें, जो मूलभूत सुविधाएं हैं जैसे पानी, बिजली, स्वास्थ्य, रोजगार, ये भी नहीं मिल पाया आज तक। तो उसके बाद भी लोगों को, मतलब एक लोगों का वो कहते हैं ना संयम का बांध जो है वो टूटता है कि सब्र का, ये हाँ कि भाई हमें इन लोगों ने इंफ्रास्ट्रक्चर तो दिया नहीं, साथ में मूलभूत सुविधाएं भी नहीं दी। तो ऐसा खनिज पदार्थ, हम पाकिस्तानी हैं या हम पाकिस्तान के दास हैं? हम पाकिस्तान की सेवा करने के लिए पैदा हुए हैं जो मतलब पंजाब है, या हम खुद भी हम पाकिस्तानी हैं? तो ये सारे जो कारण हैं, ये प्रमुख रूप से इन लोगों इन कारणों ने लोगों में बहुत बड़ा असंतोष फैलाया है। तो इस असंतोष के कारण अब हुआ क्या है कि जो बलूचिस्तान की जो पहले पॉलिटिकल आउटफिट्स, तंजीमें थी, जो पहले बात करती थी कि हमें ऑटोनॉमी मिल जाए, स्वायत्ता मिल जाए थोड़ी पाकिस्तान से, हमारी उससे हमारी इकोनॉमिक इनइक्वालिटी, गरीबी दूर हो, और जो डिमांड करती थी कि हमारी गैस के ऊपर हमें रॉयल्टी ज़्यादा मिले और यहाँ पे बेरोजगारी की समस्या दूर हो, अब इस व्यापक जन आंदोलन से या जन असंतोष से वो वाले संगठन भी, जैसे बलूच नेशनलिस्ट मूवमेंट हो गई, बलूचिस्तान रिपब्लिकन पार्टी हो गई, BSO, बलूच स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन आज़ाद हो गई, ये सब लोग अब एक ही बात करते हैं, आज़ादी। हर चीज़ का अब उन लोगों को क्या लगता है कि समाधान है कि आप पूर्ण स्वतंत्रता की बात करिए। पाकिस्तान के आईन में जो विश्वास रखने वाले लोग भी, उनका विश्वास उड़ गया। जी बिल्कुल, अरे आप ये देखिए, सोचिए, हाँ इतना मतलब दमन हुआ है, बिल्कुल सही आपने शब्द का दमन, कि जो अभी जो हाल फिलहाल में ग्वादर में जो आंदोलन कर रहे हैं मौलाना, हाँ। मैं भी कल परसों उनकी स्पीच सुन रहा था, मैं भेजूंगा भी आपको, सुनिएगा। तो वो भी मतलब यही कह रहे हैं कि आपको हमसे बात नहीं करनी, मत करिए, आपको हमें रोटी नहीं देनी, मत दीजिए, अब हमें भी आपसे कुछ नहीं चाहिए। वो भी अब धीरे धीरे उसी राह पे आ रहे हैं कि आज़ादी। तो पाकिस्तान ने इन लोगों को मजबूर कर दिया कि ये लोग, इनके लिए अब आज़ादी के सिवा और कुछ नहीं बचा। दूसरी बात आप सोचिए, पाकिस्तान में कितना विरोधाभास है, कितना डबल स्टैंडर्ड है, कि एक तरफ तो ये लोग बातचीत कर रहे हैं तहरीक तालिबान पाकिस्तान से, TTP से, जिसने आर्मी पब्लिक स्कूल पे हमला किया, जिसने पाकिस्तान के सर्वोच्च नेताओं पे हमला किया, जिसने बेनजीर भुट्टो को मारा, जो पाकिस्तान, जी, इन नागरिकों को मारने वाले और उनके बड़े बड़े राजनेता और प्रधानमंत्री को मारने वाले लोगों से बात कर रहे हैं, उनसे बात कर रहे हैं, और जो पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन को नहीं मानता, क्योंकि वो कहते हैं कि पाकिस्तान को शरीयत रियासत बनाना है, निज़ाम मुस्तफ़ा लाना है, कॉन्स्टिट्यूशन को भी नहीं मानते, उनसे आप बातचीत कर रहे हैं, उनके साथ सीज फायर कर रहे हैं, उनके साथ अफगानिस्तान में जाके बातचीत हो रही है, जो हक्कानी करवा रहे हैं, तो लेकिन वही बलूचों के साथ बात नहीं हो सकती, क्योंकि पाकिस्तान की फौज ने कभी भी इन लोगों के साथ बातचीत का रास्ता अपनाया ही नहीं, हमेशा दमन किया, हमेशा वहाँ पे हार्ड मिलिट्री टैक्टिक्स का प्रयोग किया, किल एंड डंप पॉलिसी का यूज़ किया, कि जो भी बलूच नेशनलिस्ट है, पॉलिटिकल एक्टिविस्ट है, पकड़ो, मारो, फेंक दो बॉडी उसकी। इससे भी लोगों में बहुत बड़ा संतोष है,
अरे कभी आपने इनको अपना नागरिक समझा होता, साथ में बैठे होते एक टेबल पे, बातचीत की होती कि भाई आपका क्या मसला है, आपस में बैठ के हम उसका समाधान निकालते, ऐसा कभी नहीं हुआ। केवल इस्लामाबाद ने इन लोगों को क्या दिया, फौज, फौजी कार्रवाई, सैन्य कार्रवाई। तो भाई जो आदमी इतना आपने उसका दमन कर दिया तो वो आपसे क्या लेगा फिर, वो तो आपसे आजादी की बात करेगा ना। बिल्कुल। और रजत तो एक बात कि फौज जी में भी अधिकतर मेरे हिसाब से पंजाबी मूल के मुसलमान ही हैं पाकिस्तानी फौज में। हाँ, पाकिस्तानी फौज में जो अगर मेनली आप देखा जाए तो पंजाबियों की गवर्नमेंट बहुत और बड़ी फौज में डोमिनेंस है ज्यादातर पंजाबी लोगों का ही वहां पे वर्चस्व है मुसलमानों का। जी। और बलूचिस्तान, इसमें मुसलमान की भी बात नहीं है, हाँ जी ऐसे वो ऐसे तो बलूच पंजाबी भी मुसलमान है। जी इसमें बात यह है कि पंजाब का जो कोर है या पाकिस्तान, वो है पंजाब। जी बाकी सब लोग जो है अपने आप को दरकिनार पाते हैं पाकिस्तान में। बलूचिस्तान में भी फौज को पंजाबी फौज कहते हैं। यही पश्तूनों की भी उनके साथ मसला है कि भाई हम जो हैं इस मुल्क में हम ही गैर कर दिया गया। यही बात सिंधी भी कहते हैं, यही बात मुहाजिर भी कहते हैं। तो यही एक बहुत बड़ी विडंबना है पाकिस्तान की। तो देखें, अब मैं कुछ ज्यादा ही समय ले लिया। बिल्कुल ये एक मोटा मोटा थोड़ा सा बलूचिस्तान के संघर्ष के ऊपर एक बैकग्राउंड था। बहुत अच्छा बेटा। अच्छा हमारा दूसरा प्रश्न है कि आपने हाल में एक लेख लिखा था जी उसमें आपने बलूच सशस्त्र विद्रोह कैसे बदल रहा है और किस लिहाज से बदल रहा है, इस पर आप कुछ हमारे दर्शकों को बता सकते हो। हाँ, मैंने अभी हाल में ही एक आर्टिकल लिखा था जिसका टाइटल था कि बलूच संघर्ष जो है, सशस्त्र संघर्ष, वो उसका रूप कैसे बदल रहा है। उसका टाइटल था अंग्रेजी में कि बलूच इंसर्जेंसी नो लॉन्गर अ लो लेवल इंसर्जेंसी। तो देखिए हुआ क्या है कि पाकिस्तान ने हमेशा से, पाकिस्तानी फौज ने बलूचिस्तान के सशस्त्र आंदोलन को, बलूचिस्तान में जो आर्म ग्रुप जो इंसर्जेंसी चला रहे हैं, उसको हमेशा से एक लेबल दिया है कि ये बहुत ही लोकल कॉन्फ्लिक्ट है, लो लेवल की इंसर्जेंसी है जिसको कुछ ट्राइबल सरदार चलाते हैं। ये एक नरेटिव पाकिस्तान ने अपने लोगों को भी और इंटरनेशनल कम्युनिटी को भी बेचा है। पर इसमें अब कोई सत्यता नहीं है, क्योंकि अगर आप देखें तो पिछले, खास तौर पे पिछले 3-4 सालों से बलूचिस्तान में अलगाववादी सशस्त्र आंदोलन का रूप, बलूच आर्म्ड ग्रुप्स का, काफी बदल गया है। खास तौर पे अगर आप इस साल को देखें तो इस साल की शुरुआत ही बड़े बड़े हमलों से हुई। जनवरी में बलूच लिबरेशन फ्रंट, डॉक्टर अल्ला नजर बलूच जिसको हेड करते हैं BLF, उसने मकरान कोस्ट पे हमला किया। 10 जो पाकिस्तानी फौजी थे वो इसमें हताहत हुए, मारे गए। वहीं फिर उसके बाद ये करीब 20-25 के लगभग जनवरी की बात है, घटना है। उसके बाद फरवरी के फर्स्ट वीक में ही, अभी हफ्ता 10 दिन बाद ही, BLA ने सॉरी, बलूच लिबरेशन आर्मी, जो सबसे बड़ा सशस्त्र संगठन है वहाँ पे, उसने पाकिस्तान के फ्रंटियर क्रॉप्स के, FC के, जो पंजोर और नुश्की में शिविर हैं, कैंप्स, उन पे हमला किया। BLA क्लेम करता है कि उसमें 100 से ज़्यादा सिपाही, फौजी जो है FC के लोग मारे गए। पाकिस्तानी फौज जो है वो डिनाई करती है उस नंबर को और कहती है कि भाई इसमें कैजुअल्टी हुई, बट हाँ 100 नहीं हुई, इसको बहुत बड़ा चढ़ा के दिखाया जा रहा है। पर चलिए, नंबर जो भी रहा हो, पाकिस्तानी फौज को इन हमलों में या अपने कैंप्स को क्लियर करते करते 3 दिन लग गए। तो ये, इससे ये पता चलता है कि एक बड़ा हमला था, और इसमें जो हमलावर आए थे वो मार के भागने वाले लोग नहीं थे। क्योंकि तो पहले बलूच विद्रोही क्या करते थे कि मारो भागो वाली रणनीति अपनाते थे, हिट एंड रन। गोरे हाँ, कुछ हद तक लगे। तो गैस पाइपलाइन उड़ा दी,
टेलीफोन एक्सचेंज उड़ा दिया, कहीं पुलिस स्टेशन के ऊपर हमला कर दिया, तो लेकिन अब ऐसा नहीं है, अब बड़े ही संगठित और बड़े हमले किए जाते हैं। तो ये बड़े हमले हुए और उसी के बाद अगस्त में अगर आप देखें तो पहली महिला आत्मघाती बलूच जो थी शरी बलूच, उन्होंने कराची में हमला किया जिसमें 4 लोग मारे गए जिसमें से 3 चीनी लोग थे, रिफ्यूजीज सेंटर कराची में। उसके बाद बलूच नेशनलिस्ट आर्मी जिस जो नई बनी थी, गुलजार इमाम जिसको हेड कर रहे थे, उसने लाहौर के अनारकली बाजार में हमला किया, ब्लास्ट किया। तो ये टैक्टिक आप देखिए तो एक पैटर्न है, ये चेंज हो रहा है। एक तो बड़े हमले, संगठित हमले, दूसरे बलूचिस्तान से बाहर हमले, पाकिस्तान के बड़े अर्बन सेंटर्स में हमले, ताकि पाकिस्तानी आर्मी का ये नैरेटिव टूटे, उसको काउंटर मिले कि ये एक लोकल कॉन्फ्लिक्ट नहीं है, ये एक नेशनलिस्ट मतलब एक आंदोलन है जो एक बहुत बड़ा रूप ले चुका है। अब पाकिस्तानी जो लोग हैं, अब भले ही वहाँ पे एक पॉलिसी रहती है पाकिस्तानी आर्मी की कि मीडिया को भी जो फॉलो करना होता है कि वो एक तरह का ब्लैकआउट है बलूचिस्तान की न्यूज़ के ऊपर, कि न्यूज़ जो भी छापनी है वो पहले ISPR से आपको अप्रूवल लेनी पड़ेगी तब छपेगी। तो मुझे भी अपने आर्टिकल के लिए लग रहा था कि शायद वो मीडिया, पाकिस्तानी मीडिया में उसको उतनी जगह ना मिले उस आर्टिकल को, बट वो छपा। अच्छा, तो खैर इंटरनेशनल पब्लिकेशंस में तो छपा ही जहाँ मैं लिखता हूँ नियमित रूप से। उसके बाद पाकिस्तानी मीडिया में इंग्लिश में और उर्दू में भी उसको वो शाया हुआ, पब्लिश हुआ। तो ये हाँ, मैं ये कह रहा था कि इस वजह से लोगों में भी, आम पाकिस्तानी जो हैं जो पाकिस्तान के दूसरे प्रांतों में रहते हैं, उनमें भी ये भावना आ रही है कि भाई कुछ तो गड़बड़ है, ये मामला इतना छोटा नहीं है जितना ये लोग दिखाने की कोशिश करते हैं, समथिंग इज डिफरेंट, समथिंग इज अंडरग्राउंड। तो अब ये भी एक है। अब दूसरा अगर आप देखें तो अगस्त में एक और, आपने भी उस पर एक वीडियो की थी, हेलीकॉप्टर वाला जो हमला हुआ था जी, कि अगस्त में पाकिस्तान का आर्मी का एक हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया लासपेला बलूचिस्तान में, जिसका जो बलूच जो उनका एक संगठन है, जो एक अम्ब्रेला आउटफिट है जिसका नाम है बलूच राजी अजोई संगर, BRAS ब्रास, हाँ, वो 4 पड़े जो बलूच संगठन है, सशस्त्र संगठन, उग्रवादी संगठन, उनका एक अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन है, उन्होंने मिलके बनाया। उन्होंने क्लेम किया कि इस हेलीकॉप्टर को हमने शूट डाउन किया, उसमें पाकिस्तान के एक लेफ्टिनेंट जनरल जो वहां पे FC को कमांड करते थे वो भी उसमें हताहत हुए, मारे गए। PR ब्रास का कहना था कि हमने जानबूझ के उनको टारगेट किया क्योंकि वो यहाँ पे केल एंड डम पॉलिसी को बहुत हेड कर रहे थे या करवा रहे थे। पाकिस्तानी फौज ISPR ने जो था उनका जो मीडिया विंग है पाकिस्तानी आर्मी का ISPR, उसने डिनाई किया इस बात को कि ये केवल एक प्रोपेगेंडा क्लेम है। अगले महीने फिर से सितंबर माह में पाकिस्तान आर्मी कोर का एक हेलीकॉप्टर जो था वो दोबारा से बलूचिस्तान में क्रैश हो गया, जिसको BLA बलूच लिबरेशन आर्मी के लोगों ने क्लेम किया कि हमने मार गिराया है। अब इस पे ISPR ने कोई भी इंफॉर्मेशन सूचना नहीं दी, उन्होंने एक स्टैंडर्ड प्रेस रिलीज दी कि ये जो है हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ जिसमें हमारे ये लोग मारे गए, उसकी वजह नहीं बताई कि क्यों और कैसे हुआ। तो हकीकत ये है कि भले ये लोग माने चाहे ना माने, कुछ हद तक विमान रोधी एंटी एयरक्राफ्ट कैपेबिलिटी इस समय बलूच संगठनों के पास मौजूद है। दूसरा, ये जिस तरह के हथियार इस्तेमाल कर रहे हैं, जो FC कैंप्स पे हमले करते हुए जो बलूच विद्रोहियों ने जिन हथियारों का इस्तेमाल किया,
वो काफी अत्याधुनिक हथियार थे, पाकिस्तानी फोर्सेस के पास उस तरह के हथियार नहीं थे। क्योंकि हुआ क्या है कि इस तरह के हथियार इनको मिल कहाँ से आ रहे हैं, क्योंकि अफगानिस्तान में पिछले साल जब अमेरिका वहां से निकला तो अफगान नेशनल आर्मी को ये सारे जो हथियार जैसे M16, 8.4, A2 राइफल्स, छोटे छोटे हथियार, ये सब जो मिलते थे वो अब ब्लैक मार्केट में बिक रहे हैं, तो वहां से मिल रहे हैं व्यापक पे। और भी कई सारी चीजें हैं जो एसेसरीज हैं, जैसे नाइट विजन थिंग्स और अंडर बैरल ग्रेनेड लॉन्चर्स, ये सारे इस्तेमाल कर रहे हैं। दूसरा, कई कई जगह ऐसा देखने में आया कि बलूच विद्रोहियों ने हैवी मशीन गन का भी इस्तेमाल किया। और अगर अब उनके पास एंटी एयरक्राफ्ट कैपेबिलिटी भी है तो ये एक तरह का नाइटमेयर है, बुरा सपना है पाकिस्तानी फौज के लिए। और अब ये चाह के भी इस चीज को ये प्ले डाउन नहीं कर सकते या ये ठप्पा नहीं लगा सकते कि ये एक बहुत ही छोटा सा, मोमेंट है, हाँ, लोकल मूवमेंट है ये बहुत बड़े ऐसा। मोमेंट हो गए। हाँ, ये एक तरह की, इस समय बलूच सशस्त्र आंदोलन जो है वो टीटीपी को टक्कर देने के कगार पे है। करेगा जैसे टीटीपी हमला करता था ना, पाकिस्तान फौज के कैंप्स को घेर लिया, फौजियों को बंदी बना लिया, फिर प्रिजनर्स के स्वैप किया, इस तरह की जो है कैपेबिलिटी और ताकत इस समय बलूच संगठनों के पास भी आ रही है। तो इस आर्टिकल में मैंने यही फोकस किया कि भाई फौज ने जितने भी अपने कार्रवाइयां की बलूचिस्तान में, जी उससे हासिल कुछ नहीं हुआ, वो आग में घी डालने वाला काम हुआ। और ये आदमी की बढ़ गया हाँ, तो इन्हीं की गलती है, ये इन्हीं का इनके। जी बोया बिल्कुल बिल्कुल। हुआ, क्योंकि जब हाँ आप पॉलिटिकल एक सोल्यूशन के लिए गए नहीं जी बिल्कुल तो आपने लोगों को मजबूर कर दिया कि वो सशस्त्र आंदोलन करें। आपने बताया कि 44% हिस्सा पाकिस्तान का, बलूचिस्तान के बाद है, और 6% वहां पे आबादी रहती है। और फिर भी अगर वहां पे इस प्रकार की भौगोलिक दृष्टि से बड़ा ही स्टेट हुआ पाकिस्तान का वो, और फिर भी अगर वहां पे इस प्रकार की उनको न तो शिक्षा है ना डेवलपमेंट है, कई चीजों से अनएम्प्लॉयमेंट है, लोगों को भटकना पड़ रहा है, और इस प्रकार मतलब वहां पे तो चिकित्सा भी नहीं है मेरे हिसाब से, तो मेडिकल सुविधाएं भी लोगों के पास नहीं होगी, जी बिल्कुल। तो तो इसी तरह लोगों को इन सब अभावों से, और साथ ही साथ ये अभाव तो थे ही, और उसके बाद उनके ऊपर जुल्म भी था। अच्छा अब वही है ना कि अगर कोई दूसरा आदमी आंदोलन करेगा, वो करेगा, तो आप उससे बातचीत करेंगे। बलूचों ने किया तो बलूचों के ऊपर आपने केवल कार्रवाई की, केवल बंदूक चलाई, तो एक तो सुविधा ही नहीं दी, ऊपर से जुल्म भी किया, तो फिर अब ये है कि फिर आपने रास्ता छोड़ा क्या उनके लिए। तो मतलब उनसे सुविधा लेनी और उनको रौन देने वाली बात हो गई। तो जी बिल्कुल। तो अब इन लोगों को यही लग रहा है कि बिल्कुल अगर इसी तरह से जीना है, हम उससे अच्छा है कि भाई हम अपने एक एम के लिए, अपने एक बड़े मकसद के लिए लड़के मर जाएं। तो जब आप किसी आदमी को इस हद तक वो करते हो, मतलब दबाते हो, तो फिर उसका रिएक्शन तो होगा। एक और इसमें बात है मनीष जी, मैं आपसे पूछ रहा था कि आपने कहा कि ये टीटीपी के करीब हैं, इतने मारक क्षमता इन लोगों ने हासिल कर ली तो, और हेलीकॉप्टर गिराने तक की इनके पास क्षमताएं हैं, तो ये तो उस दौर की बात हो गई जब तालिबान रशियन वॉर के समय या अमेरिकन के साथ जब लड़ रहे थे, तब वो अमेरिका के द्वारा दिए गए हथियारों से ही वो उनके हेलीकॉप्टर मार गिराते थे जी हाँ, वो जो अफगान समय तालिबान। था अफगान मुजाहिदीन वाला, जो सोवियत इन्वेजन 79 से 89, थोड़ा क्या है, बलूच वो वाली कैपेबिलिटी इनके पास भी कुछ हद तक आ रही है। जैसे वो भी एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल स्टिंगर यूज करते थे, वही मैं कह रहा अभी हूँ। भी करते हैं, लेकिन वो पूरे अफगानिस्तान में फैली हुई मूवमेंट थी। अभी भी बलूच जो मूवमेंट है वो पाकिस्तान की शहरों में हमला करती है यदा कदा, पर जो ये बड़े हमले हैं जैसे
कैंप के ऊपर हमला करना या किसी एयरक्राफ्ट को शूट डाउन करना, ये अभी भी बलूचिस्तान तक है। तो उस हिसाब से ये अभी एक अफगान कॉन्फ्लिक्ट के साथ उसको क्लेम, मतलब उस हिसाब पे नहीं लाया जा सकता। ठीक है, लेकिन हाँ पता नहीं, हो सकता है कि संभवतः अगर हुआ तो आने वाले समय में शायद वो भी हो जाए। बिल्कुल बिल्कुल, इस प्रकार का दमन तो होता रहेगा, तो देखिए विद्रोह तो होते ही हैं। और मेरे हिसाब से आपने जिस तरह से बताया है वो एक इसमें हमारे दर्शकों के लिए काफी अच्छी जानकारी होगी। तो मुनीश जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने आपका कीमती समय निकाला और हमारे दर्शकों को इतनी बहुत बड़ी और महत्वपूर्ण जानकारियां हमें प्रदान की। आगे भी हम आपसे आपके साथ इसी तरह शो करते रहेंगे। तो दर्शकों बहुत धन्यवाद, आपने आमंत्रित किया मुझे, और आगे भी अगर कोई इस तरह का होगा तो जरूर सेवा का मौका दीजिएगा। हमारे दर्शकों के लिए आप कुछ दो कमेंट कहना चाहेंगे? जी हाँ, मैं लोगों को यही सुझाव देना चाहूंगा कि देखिए किसी भी चीज को अगर आपको समझना है कि ऐसा है तो क्यों है, उसके वजह क्या है, आपको हमेशा उसका थोड़ा सा बैकग्राउंड करना चाहिए। और जितेंद्र जी बड़ी अच्छी एक कोशिश कर रहे हैं कि सीरीज करने की सोच रहे हैं कि भाई किसी भी चीज़ को हम केवल किसी इंसिडेंट को डिस्कस ना करें, उसका एक पूरा व्यापक स्वरूप जिसको कहते हैं ना अंग्रेजी में होलिस्टिक व्यू, वो मिले, तो उसके लिए ये सीरीज वाला माध्यम करने की सोच रहे हैं, जो बहुत अच्छा है। तो मैं लोगों से यही प्रार्थना करूंगा कि मतलब इसको ज्यादा से ज्यादा समर्थन दें। धन्यवाद मनीष जी, आपसे फिर मिलते हैं हमारे अगले एपिसोड में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। श्रृंखला की अगली कड़ी में हम हमारे दर्शकों के लिए हैं। इस विशेष श्रृंखला में अगली कड़ी में हम बलोच संघर्ष के मूल कारण को कालांतर में विकास के बारे में और जानेंगे। अगले एपिसोड तक देखते रहिए, हमारा यूट्यूब चैनल फॉलो करें, सब्सक्राइब करें, लाइक और कमेंट करें, हो सके तो सपोर्ट भी करें। धन्यवाद।